हाँ देसी स्टाइल का। हाँ जिंदा लकड़ी लकड़ी के चूल्हा में ही बन रहा है। हाँ बन रहा है ना। इसमें इसमें है ये शिमला मिर्च, लहसुन, अदरक, उसको कद्दूकस करके डाल दिया गया है मंचूरियन बनने के लिए। थोड़ा इसको जो है ना ये शिमला मिर्च कैप्सिकम जिसको बोलते हैं उसको थोड़ा अच्छी तरह से छोटा छोटा पीस में काट के डालने से उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। देखिए घर का कितना सुंदर है ना। घर का रसोई गांव में सारे ऐसे लकड़ी के चूल्हा में पकाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। देखिए बहुत अच्छा जल रहा है आग, और ये बन रहा है इसका घर का स्वाद। घर का स्वाद ये अभी भून गया है, ज़्यादा इसको नहीं पकाएंगे नहीं तो इसका जो जो विटामिन रहता है वो चला जाएगा। ठीक है तो इसको ज़्यादा मत भूनिएगा, उसके बाद इसको डाल दीजिए उसमें। डालने के बाद थोड़ा सा चला देना है, उसके बाद इसको उसमें डाल देना है। मैं आप जो मैगी पाउडर आता है ये पाउडर उसमें अच्छा मैगी पाउडर दे हाँ, देते हैं तो उसका फ्लेवर और अच्छा आएगा। खाने में बहुत टेस्टी रहता है ये। आप एक बार घर में बनाइए और इसे खाइए और मेरे को कमेंट करके बताइए। वाओ बहुत फ्लेवर, ये फ्लेवर के लिए दे दी हूँ, नहीं देने से भी चलेगा आपका मर्जी, लेकिन देने से बहुत अच्छा लगेगा। देने से बहुत अच्छा लगता है, उसका जो सेंट आता है वाओ वाओ मजा ही। अब इसमें नमक समक बन के रेडी है, तैयार है घर का देसी मंचूरियन। घर का देसी मंचूरियन, ना इसमें कलर है ना कोई मतलब बाहरी कुछ तेल। तेल बहुत अच्छा तेल में बनाया गया है। आई थिंक आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। घर के चूल्हे का स्वाद, घर का चूल्हे का स्वाद जब खुशबू आता है। हाँ ये है मंचूरियन कढ़ाई। अच्छा कढ़ाई में डाल दो, मंचूरियन कढ़ाई हो गया। ये रेस्टोरेंट का फंडा है। हाँ आपको अच्छा लगा? बहुत ज़्यादा। इसको खाने के लिए हमारे घर आने पड़ेगा है ना। वाओ टेस्टी है घर का।